दोस्तों ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि जो प्रोटीन होता है ये आपके बॉडी के निर्माण के लिए विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक होता है। दोस्तों एक हेल्दी बॉडी के अंदर करीब करीब 62% पानी होता है, 16% प्रोटीन होता है, 6% मिनरल्स यानी कि खनिज और करीब 1% से कम कार्बोहाइड्रेट्स होता है। वहीं इसके साथ थोड़ी सी मात्रा में विटामिन्स और कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं। दोस्तों बात की जाए प्रोटीन की तो प्रोटीन हमारे बालों में, मांसपेशियों में, त्वचा, हड्डियों, नाखूनों और जो आपके रक्त कोशिकाएं हैं यानी कि ब्लड सेल्स उसके अंदर पाया जाता है। दोस्तों जो प्रोटीन होता है ये आपके बॉडी मसल्स को मजबूत बनाता है, साथ ही आपके बॉडी के बैलेंस के लिए बहुत जरूरी होता है और इसलिए प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा में सेवन करना आपकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में मैंने देखा है बहुत से लोग ये मानते हैं कि प्रोटीन के लिए अंडा सबसे अच्छा जरिया है यानी कि अच्छा सोर्स है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि ऐसे और भी बहुत से फूड्स हैं जिसके अंदर प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो खास है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, उससे पूरा पूरा फायदा प्राप्त करें। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज नीचे आके लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों इसके पैसे बिल्कुल नहीं मिलते हैं, बस आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों पहला नंबर पर है सोयाबीन। जी हाँ दोस्तों, सोयाबीन के अंदर भी काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है। वहीं प्रोटीन के अलावा दोस्तों इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई और बहुत से अन्य कमाल के तत्व मौजूद होते हैं। वहीं सोयाबीन के अंदर दोस्तों फाइबर भी अच्छी खासी मात्रा में होता है और अगर आप करीब 100 ग्राम सोया चंक्स उठाते हैं तो उसके अंदर करीब करीब 50 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है। दूसरे नंबर पर आता है पनीर। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है पनीर, जो कि आपके शरीर में कैल्शियम की जो कमी है उसे पूरा करता है। जैसा कि आप जानते हैं पनीर भी दूध से ही तैयार होता है और इसके अंदर प्रोटीन, कार्ब्स, फैट अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और करीब 100 ग्राम पनीर के अंदर करीब 18 ग्राम के करीब प्रोटीन मौजूद होता है। और तीसरे नंबर पर आता है मूंग की दाल। दोस्तों मूंग की दाल आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए बहुत ही सस्ता और टिकाऊ साधन है, क्योंकि दोस्तों मूंग की दाल प्रोटीन से भरपूर होती है और सिर्फ 100 ग्राम मूंग की दाल के अंदर करीब करीब 24 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। नंबर 4 पर आता है बादाम। जी दोस्तों, बादाम बेहतरीन किस्म के फैट के साथ साथ बहुत भरपूर मात्रा में प्रोटीन से भी युक्त होता है और करीब 100 ग्राम बादाम के अंदर 21 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। और पांचवे नंबर पर आता है काजू। जी हाँ दोस्तों, यूं तो काजू के बहुत से फायदे हैं और वेट गेन करने के लिए काजू बहुत गजब की चीज है, लेकिन ये साथ में प्रोटीन से भी भरपूर होता है। तो करीब 100 ग्राम काजू के अंदर 553 कैलोरीज होती हैं, 44 ग्राम फैट होता है और करीब 18 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है। छठे नंबर पर आता है दूध। जी हाँ दोस्तों, दूध ना केवल अगर आप पीते हैं तो आपकी बॉडी में जो कैल्शियम की कमी है वो दूर करता है, बल्कि ये प्रोटीन से भी भरपूर होता है और करीब 1 लीटर दूध के अंदर 40 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। नंबर 7 पे आता है अंकुरित अनाज। जी हाँ दोस्तों, अंकुरित अनाज भी प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है और अगर आप करीब 1 कप अंकुरित अनाज खाते हैं तो उसके अंदर करीब 15 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है। नंबर 8 पे आता है मूंगफली। जी हाँ दोस्तों, यूं तो मूंगफली के अंदर फैट अच्छी खासी मात्रा में होता है, लेकिन मूंगफली के अंदर प्रोटीन भी बहुत गजब की मात्रा में होता है। सिर्फ 100 ग्राम मूंगफली के अंदर करीब 26 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है। नंबर 9 पे है चना। जी हाँ दोस्तों, चना ना केवल सिर्फ फाइबर बल्कि प्रोटीन से भी भरपूर होता है। इसे आप भिगोकर या फिर उबालकर या फिर फ्राई करके भी खा सकते हैं। 100 ग्राम चने के अंदर करीब 15 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है। नंबर 10 पे आता है दही। जी हाँ दोस्तों, दूध से बनी हुई हर चीज के अंदर अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है और इसीलिए दही भी प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है और 100 ग्राम दही के अंदर करीब 11 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है। लेकिन एक बात तो है दोस्तों, बिना सोचे समझे अगर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन की मात्रा लेते हैं तो ये नुकसान भी दे सकता है। दोस्तों डेली आपको कितना प्रोटीन सेवन करना चाहिए ये आपकी एज, आपका वजन यानी कि आपका वेट और आपकी दिनचर्या यानी कि लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। वैसे बात की जाए नॉर्मल स्टैंडर्ड्स की तो जितना आपका वजन है उसमें 0.8 ग्राम अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं उतना आपको प्रोटीन चाहिए। तो मिसाल के तौर पर अगर आपका वजन 75 किलो है तो 75 × 0.8 तो करीब 60 ग्राम प्रोटीन आपको डेली चाहिए। तो ऐसे ही जितना आपका वजन है आप उसमें 0.8 मल्टीप्लाई करें और जो
नंबर आएगा उतना आपको प्रोटीन डेली चाहिए चाहिए ताकि आप एक हेल्दी जीवन जी सकें। इसी के साथ ये जानकारी आपको कैसे लगी दोस्तों, इसको हमें कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए। और वहीं जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि दोस्तों हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को नीचे आकर लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बाजू में घंटे का आइकन दबाएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, उसके पैसे बिल्कुल नहीं मिलते हैं, बस आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों आप सभी ने मुझे अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।